अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केएसवी हाड़ी। तो आज की स्पेशल वीडियो भाइयों के लिए, हंटर्स के लिए, जैसे कि थंबनेल से वाजह है, ग्रीन पिजन हरियल के हवाले से हमने इंफॉर्मेशन देनी है आज की। काफ़ी भाई अबू बकर भाई हमें कह रहे थे ना कि हरियल के टॉपिक पे कोई वीडियो बनाएं। तो आज देखें, यहाँ पे हम आए हैं पीपल पे। यहाँ पे तो मैं आपको बता दूँ, पता नहीं ये पूरा जो पीपल है भरा पड़ा है क्लियर से, लेकिन तिलियर के ऊपर पाबंदी है ना, रोजी स्टारलिंग के ऊपर पाबंदी है। मैं आपको क्या बताऊँ, देखिए माशाल्लाह हर तरफ तिलियर ही तिलियर हैं, ये देखें शाम का। और एक और ज़बरदस्त बात, ये वीडियो हमने इस वजह से बनाई है क्योंकि अबू बकर भाई हरियल भी यहाँ पे हैं, लेकिन वीडियो हम नीचे से, हमने एक दो दफ़ा कोशिश की है कि आपको ना दिखाने की कोशिश की है ना, एक तो क्या हाँ अंधेरा सा बना हुआ है, बादल है, अंधेरा बना हुआ है, और ऊपर से अगर हम इसको आपको उड़ा के दिखाते तो, लेकिन अभी शाम का टाइम है, अब शाम का टाइम होने वाला है ना, तो टाइम होने वाला है, लेकिन उसमें ना ये प्रॉब्लम आएगा कि बेचारे जो एक उनका अड्डा है, बैठने की जगह है, वो थोड़ा सा उनको वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसी वजह से ना हम आपको वो जस्ट बता ही सकते हैं कि यहाँ पर तिलियर बैठे हैं और हरियाली भी बैठे हैं। ये देखें, ये अबू बकर भाई कम अज़ कम 70-80 तो होंगे, या इससे भी ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा 70-80 से भी ज़्यादा होंगे, पूरा का पूरा पीपल भरा भरा है, ठीक है। और आवाज़ें भी आपको सुनाई दे रही हैं। हाँ आवाज़ें भी, मैं भी आपको, मैं अगर ये माइक लगाया हुआ है, अगर माइक में हटा दूँ तो फिर तो अबू बकर भाई इनको आवाज़ें भी सुनाई दे जाएंगी ना। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल अबू बकर भाई, हरियल जैसे ये हरियल के बारे में नाम जैसे उसका है, इसकी थोड़ी तारीफ करें हरियल की ना। ये जो वैसे परिंदा है ना, ग्रीन पिजन, हाँ हरियल, इसको हरियल के क्या मतलब है, मतलब हरियाली हरियाली होती है ना, जो सब्ज रंग होता है। हाँ हाँ, अगर इसको ऑफ करें, हाँ तो इसको ही बोलते हैं, मतलब इसी वजह से उसका नाम, ये मतलब हरियाली, हरी जगहों पर रहना पसंद करता है, बिल्कुल। अच्छा, और इसकी रंगत भी ऐसी होती है, वहाँ जो जिन दरख्त पे होता है उसकी रंगत, मतलब जो पत्ते होते हैं वो भी सेम होते हैं। सही है, तो मतलब कि ये तो जिस दरख्त पे बैठा होता है नज़र भी नहीं आता, बहुत मुश्किल से ट्रेस करते हैं, हम भी बहुत मुश्किल से। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट शक नहीं है। ये जिस तरह पीपल इस पर 8-10-12 बैठे हों तो एक भी नज़र नहीं आएगा। अबू बकर भाई बाज़ अवकात ये हुआ है कि आप खुद बताएं, हमने काफ़ी दफ़ा उसको देखा था, एक तो एक जगह से कम अज़ कम 30-35 उड़े थे, लेकिन हमें एक भी नहीं, हाँ वो तो हम एक मरतबा हंडिंग पे गए, तो यानी कि जो 30 इकट्ठे हमारे यानी कि सामने आकर, वो बरगद का दरख्त है, हाँ। उस पे आकर बैठे थे सेकंड टाइम दा, नीचे से हमारे पास दो एयर गन थी, दोनों डियाना की थी, एक मेरे कज़न की थी, एक हमारे पास थी, ठीक है जी। तो हमने तकरीबन जो है 10 मिनट वो गन लोड करके देखते रहे, तो हमें एक भी नज़र नहीं, आखिरकार 10 मिनट के बाद वो खा पी के उड़ गए। हाँ ये बाज़ ये भी हो जाता है, जैसे कि हरियल नाम हरे उसका हरे कलर से है, क्यों हरी जगहों पर बैठना पसंद करता है। इसके अलावा ये शीशम के दरख्तों पर बैठना पसंद करता है, शीशम हो गया, सिंबल जैसे आप बता रहे हैं, दूसरा सिंबल हो गया, ठीक है। और इसके अलावा कीकर पे भी बैठ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अबू बकर भाई बेरी के दरख्त भी अक्सर इसको देखा गया कि सर्दी के मौसम में होते हैं, बिल्कुल बेरी, जब बेरी का मौसम होता है ना, ये जो वो मोटे बेर होते हैं तो उनको ज़्यादा ये लाइक। और ये खजूर के दरख्तों पे भी देखा गया, खजूर के दरख्तों पे भी अक्सर अबू बकर भाई ये बैठे हैं। अभी जिस तरह खजूर का मौसम आता है तो ये खजूर खाते हैं, हाँ ये भी अक्सर बहुत ज़्यादा ये इस मौसम में मिलते हैं खजूर। और इसकी पाँच छः किस्म की नस्लें वैरायटी है, ठीक है। और बाज़ अवकात कुछ भाई अबू बकर भाई ये कहते हैं कि ये ज़मीन पर कभी उतरता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये फल वगैरह खाता है उनसे, हाँ। ये रस पानी उनसे हासिल करता है, लेकिन कुछ भाइयों ने मुझे वीडियो सेंड किए, खिजर भाई ये देखें ये पानी ये देखें इस, क्योंकि वो वीडियो अबू बकर भाई इंडिया की हैं, इंडियन हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे उनको ना जो फ्रूट्स जो है ना वो नहीं मिल रहे, फल जो उनकी खुराक है ना वो खुराक उनकी पूरी नहीं हो रही, इस वजह से मजबूरी के तहत वो आबो हवा को, जैसे आबो हवा का अबू बकर भाई फ़र्क होता है ना, वहाँ पे जैसे उनकी खुराक नहीं होगी ना, तो उसी मजबूरी के तहत वो ज़मीन पर उतरते हैं। और अबू बकर भाई एक और बात भी नोट करने वाली है, किसी एक्सपर्ट से मैंने पूछा था, वो कह रहे खिजर भाई उस चीज़ को आप नोट करें, जो वो पानी पी रहा होता है आप देखें कितना वो चला डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, हर वक्त उसको, मतलब इंसानों, ये शर्मीला सा परिंदा है, इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। आप उस गौर करें उन वीडियोस में, जिन वीडियोस में ये पानी पी रहा है, तो वो कभी इधर देख रहा होगा, कभी इधर देख रहा होगा, कभी उधर देख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ये टेंशन वाली बात, खौफ हिरास, बड़ा हसास और नाजुक परिंदा है, ठीक है। और ये किसी से दुश्मनी मोल भी नहीं लेता अबू बकर भाई, आपने जैसे वो करो वाली वीडियो देखी है ना, हाँ बिल्कुल, बेचारे ने आप देखें, आप करो वाली, करो कवे वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, उसमें अंडे वो कव्वा इसके दोनों ख़त्म कर देता है, ठीक है, दोनों नीचे फेंक देता है, चार पाँच मिनट की वीडियो है। और बाज़ अवकात अबू बकर भाई अगर ये नेस्ट घोंसले में नहीं होता, अगर कव्वा वहाँ पहुँच गया वो भी उसको चीर फाड़ के रख देता है, इनके बच्चों को भी चीर फाड़ के रख देता है। और अबू बकर भाई एक और थोड़ा सा क्वेश्चन है,
आप अक्सर भाई कहते हैं भाई ये कौवे को मारना जुर्म है, ये है भैया हराम परिंदों को शिकार ना करो, कौवे के बारे में आप क्या कहते हैं, इसको मारना ठीक है या गलत है, मुझे बता दें। नहीं ठीक है बिल्कुल, इसको मारना कोई जुर्म नहीं है, ये तो मेरे ख्याल में हदीस का मफहूम जो जहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से परिंदे या जानवर हैं जिनको मारना जायज़ है, जिनमें सांप हो गया, बिच्छू हो गया, ये उसमें कौवे का नाम भी है। हाँ कौवे का नाम भी है, और एक वो रंग बिरंगा सा हमारी जबान में उसको कोट गिल्ला कहते हैं, और पतनी गिरगिट जो रंग बदलता है, बिल्कुल उसको भी कीकर पे होते हैं। हाँ कीकर पे रंग बिरंगे कलर चेंज कर लेते हैं। और मेरे भाई कौवे को मारना सरासर जायज़ है, छिपकली भी। हाँ छिपकली भी, छिपकली छिपकली के बारे में भी आता है, ठीक है ना। कौवे भाई आप इनकी ऐसी की तैसी कर दो, मैं तो आपको कहता हूँ, ठीक है ना यार, ये नस्ल भी अबू बकर भाई इनकी यही ख़त्म कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इनकी मतलब आप ना ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू में देखें ना, कौन कौन से परिंदे या जानवर है जिनको मारना जायज़ है, तो वहाँ पर ये इनके नाम लिखे हुए हैं, वो मतलब कि आपको मिल जाएंगे। और इसमें हरियल की एक और मैं आपको ख़ास बात बता दूं, जब ब्रीडिंग सीज़न, एक तो जब ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म होता है स्टार्ट होता है ना, उसमें अबू बकर भाई ये मतलब ये इकट्ठा इनका 30-30 का 40-40 का 50-50 का झुंड होता है ना, तो उनमें ये दो दो जोड़े अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ये अलग रहना पसंद करते हैं, वहाँ पर जाके ये अलग से नेस्ट बनाते हैं, और नेस्ट इनका बड़ा सा नहीं होता ये मतलब। और अबू बकर भाई एक और इंटरेस्टिंग बात, जैसे हम जमीन से जो नीचे तिनका उठाते हैं परिंदे ना, ये नीचे जमीन से तिनका नहीं उठाता, ये दरख्त से तोड़ के उसके बनाता है, लेकिन ये कि ये ज्यादातर ना कीकर पे ही होता है इसके ना, मैंने तो जो काफी इसके नेस्ट देखे हैं ना कीकर पे ही देखे हैं, कीकर पे और मुनासिब ऊंचाई पे वहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे मतलब किसी की पहुँच ना हो, ठीक है। और अबू बकर भाई वहाँ, और एक और बात है, जो काल कलची है जिसको छोटा सा परिंदा कहते हैं, जिसकी वी वी होता है ना पीछे से, हाँ उसकी वी बना हुआ है, ये वहाँ पे रहना पसंद करता है हरियल, क्योंकि ये जो है ये परिंदा मैं काल कलच्छी बता रहा हूँ, इसका मे बी और कोई और नाम हो, हमारी जबान में इसको काल कलच्छी कहते हैं, ये मतलब कौवे के खिलाफ बड़ा एक्टिव परिंदा है, कौवे की ऐसी की तैसी करके रख देता है थोड़ा सा वो, इस वजह से ये शर्मीला परिंदा है हरियल, ये उनसे लड़ झगड़ नहीं सकता, तो इस वजह से वो वहाँ पे सिलेक्ट करता है जहाँ पे काल कलच्छी का नेक्स्ट घोंसला हो, ताकि वो दिफा के वक्त काल कलच्छी इससे मुकाबला कर सके, ये इसलिए फिर। अच्छा अबू बकर भाई, और इसके अलावा बेसिक ये तो हमने इसका बता दिया कि ये मतलब दो, इसके दो ही अंडे देते हैं। हाँ दो। अच्छा, और इसके अलावा जैसे इनका ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म होता है, जैसे इसके बच्चे जवान होते हैं, तो ये इकट्ठे झुंड में हो जाते हैं जैसे, ठीक है ना, ग्रुप बन जाते हैं। हाँ ग्रुप बन जाते हैं। और अबू बकर भाई इनका बेसिक टाइम बता दें, किस टाइम ये खुराक लेने आते हैं, और दोपहर में कहाँ होते हैं, और शाम को कहाँ चले जाए फिर खुराक लेने। सुबह जो है ना, सुबह सुबह बिल्कुल, जैसे मतलब क्या कहते हैं कि नमाज के बाद ले लें, आधा घंटा बाद, जिस तरह फजर की नमाज के बाद थोड़ा सा दिन ढलता है, निकलना शुरू होता है सूरज, तो उस वक्त ये आपको मिलेंगे पीपल पे, ठीक है, पीपल पे इनके जो पीपल पे जहाँ पे खुराक जो डोडी वगैरह लगी होती है उस पे ये मिलते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये दोपहर को ज़्यादातर शीशम के दरख्त, क्योंकि वो होता है घना दरख्त, ठीक है ना, शीशम के, क्योंकि उस पर नज़र भी नहीं आते बैठे हुए, तो शीशम हो गया या फिर सिंबल का दरख्त होता है उस पर होते हैं। और अबू बकर भाई ये बात भी थोड़ी सी मैंने सुनी है कि वो अक्सर जहाँ वहाँ बैठते हैं सुबह का, जब वो खाना खा लेते हैं कुछ जो खाना होता है, वो दोपहर को उस जगह बैठते हैं जहाँ पानी चल रहा होता है, नदी होती है या ऐसे भी चीज़, ये भी होता है बिल्कुल, यहाँ कोई नहर वगैरह होती है ना उस पर अगर आप कोई शीशम का दरख्त है ना, तो आप देखेंगे उस पर आपको ना हरियल ज़रूर मिलेंगे, ये हमारे तो आजमूदा तजर्बे हैं जो हमने, क्योंकि ये अड्डे हमने ट्रेस किए हुए हैं। या ट्यूबवेल जहाँ पे लगी होती है, ट्यूबवेल लगी होती है चल रही है, तो उस पर कोई अगर शीशम का दरख्त है या पीपल का दरख्त है जिस पे खुराक नहीं होती, तो ये दोपहर को उस वक्त भी उस जगह पे भी मिलते हैं, क्योंकि दोपहर के वक्त तो फिर वहाँ नहीं मिलते हैं, तीन बजे तकरीबन ये दोबारा अपनी खुराक के लिए आ जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे वो पहले आते हैं उसी अड्डे। अच्छा, ये इनकी ये खासियत भी है कि जब तक वो उस पीपल पे वो इनको फल मिलता रहेगा, चाहे 10 दिन या 15 दिन, ये वहाँ पे रहेंगे, ठीक अच्छा, है वो ये उनका मुस्तकिल अड्डा होगा। हाँ मुस्तकिल अड्डा होगा, सुबह भी दोपहर को भी, सुबह और शाम को, जब तकरीबन उसकी खुराक वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो ये फिर पता नहीं कहाँ से कुछ दूसरा अड्डा ढूंढते हैं, यानी कि जहाँ पे इनको खुराक मिलती है फिर वहाँ पे ये जाते हैं, फिर सुबह भी उधर ही जाते हैं, शाम को भी उधर ही जाते हैं। अच्छा अबू बकर भाई, ये फिर इनका सर का चक्कर, मिसाल के तौर पर एक जगह से ये उड़े हैं, तो ये कितना सफ़र तय करके दूसरी जगह पर बैठेंगे, मतलब यहाँ से ये उड़ गए हैं, ठीक है, तो कितना दूर जाके आगे वो ये बैठेंगे? तो बहुत लंबा सफ़र करते हैं, तकरीबन आंख ओझल पहाड़ ओझल का सिस्टम होता है, जैसे हम तो इस तरह करते हैं कि तीन तीन बंदे अलग अलग जगह पे खड़े करते हैं कि देखें ये कहाँ जाके बैठते हैं, मतलब फिर भी नज़र नहीं आते। हाँ फिर भी मतलब कि ये ना किलोमीटर के हिसाब से जाते हैं, ये कोई मतलब नज़दीक वगैरह कोई दरख्त खड़ा है वहाँ पे नहीं बैठते, तो ये जहाँ से उड़ते हैं खुराक खा कर या जैसे भी डर के मारे उड़ते हैं, तो फिर ये बहुत ही मुश्किल से नज़र आते हैं। अगर कोई करीब इनका अड्डा वगैरह बना हो, जिस तरह शीशम है कोई दरख्त है जिस पर ज़्यादातर ये वैसे बैठते हैं, तो वहाँ रुक जाएँ, तो नहीं तो फिर
तकरीबन 1-2 किलोमीटर तक ये सफ़र कर जाते हैं, वहाँ पे कोई दरख्त हो तो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। और अबूबकर भाई मैंने अक्सर ये भी देखा है बाज़ औक़ात ना ये जो पीपल का दरख्त है यहाँ से वो जो खाना पीना खा के ना अक्सर औक़ात जो करीबी खंबा शंबा तारें खड़ी तो वहाँ पे जाके वहाँ बैठ जाते हैं सर्दियों में होता है। बिल्कुल ऐसे ही दोपहर को आपको यानी कि दोपहर नहीं जिस ना ये धुंध वगैरह होती है सुबह 9-10 बजे हाँ 9-10 बजे ये फिर आराम से अंगड़ाइयाँ लेते हैं ये जो है ना बिजली की तारें होती हैं जो ऊंची ऊंची होती हैं वहाँ पे ये बैठ जाते हैं और तसल्ली से धूप वगैरह उसको लगवाते हैं ख़ुद को। तो बाकी ये है कि अगर धूप ज़्यादा निकल आए जिस तरह सर्दी में होता है दिन निकल आता है निकलता तो बहुत मुश्किल है हाँ। लेकिन जब निकल आता है तो फिर ये शीशम की तरफ भी जाकर क्योंकि भूकर भाई एग्जैक्ट क्योंकि हमने मलिक अमानत नजीब साहब की वीडियो देखी है उन्होंने मतलब आज से 2-3 साल पहले 4 साल पहले की वीडियो खंबे के ऊपर लाइन कतारों में बैठे हमारी वीडियो बनी हुई है जो हमने बनाई थी और एक हमसे बैड लक हो गई थी खंबे के ऊपर बैठे हुए थे ठीक है ना और वीडियो वो कमाल की बनी थी वो कम अज़ कम 50 के करीब राउंड अबाउट थे और मैंने हैंडी कैम के अंदर वीडियो भी बनाई थी और 2-4 मिनट की वीडियो थी और क्लोज करके बड़े खूबसूरत उनके जो पोज थे तस्वीरें बनाई थी लेकिन बाय चांस मिस्टेक गलती की वजह से ना वो वीडियो अबूबकर भाई से ना डिलीट हो गई थी मुझे याद है डिलीट हो गई थी। और इसके अलावा अबूबकर भाई कोई और इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं जैसे दोपहर ये शाम को फिर ये खा के फिर कहाँ चलते हैं उधर पीपल पे बैठते हैं या उड़ जाते हैं ये उड़ जाते हैं मतलब इनका कोई मुस्तकिल जिस तरह अड्डा होता है जहाँ पे ये जाते हैं मतलब एक अड्डा नहीं तो 4-5 अड्डे होंगे इसके अड्डे चेंज होते हैं मतलब ये एक जगह पर नहीं रहते तकरीबन दोपहर को जहाँ होते हैं तो शाम को कहीं और हो जाते हैं जहाँ पे इनकी सेफ जगह होती है मतलब एक जगह से हमने इसको डराया यहाँ पे ठीक है यही चले गए इसकी कर पे हाँ। अगर हमने यहाँ से डराया फिर वो किसी और अड्डे हाँ, पे जगह मतलब एट ए टाइम इनके जेन में 4-5 अड्डे हाँ, होते हैं बिल्कुल होते हैं क्योंकि ये एक जगह पे नहीं बैठ जिस हम गए थे तकरीबन हमने देखा था तकरीबन 5 किलोमीटर का एरिया था जहाँ पे 3 पीपल थे हम एक पे गए वहाँ से दूसरे पे चले गए फिर तीसरे पे वहाँ से जब उड़े तो पता नहीं कहाँ गए वो अब मतलब कि हमें नहीं मुस्तकिल तौर पर इसका मतलब है 5-6-7 अड्डे इनके होते हैं ठीक है। और अबूबकर भाई इसके अलावा कोई और स्पेशल कोई इन्फॉर्मेशन हो हरियल के हवाले से क्योंकि हरियल के लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हैं उनको देखना पसंद करते हैं फेवरेट बाकी ये है कि जो हंटर हजरात हैं ये जो आर्मी का एरिया होता है ना वहाँ पे ये आपको हाथ पकड़ के भी मिल सकते हैं ये बिल्कुल करीब करीब होते हैं वहाँ इजाज़त नहीं होती जहाँ पे आप शहर में देखते हैं शहर में पीपल का दरख्त होता है वहाँ पे ये बैठे होते हैं उनको खौफ डर नहीं होता क्योंकि ये आदि हो जाते हैं ना रोज़ाना के हिसाब से लोग आते हैं जाते हैं फिर इनको कोई कुछ कहता नहीं है ना तो ये आर्मी के आपने देखे हैं जो छावनी वगैरह होती है वहाँ पे हंटिंग नहीं होती ना हाँ वहाँ पे हंटिंग नहीं होती वहाँ पे ये बिल्कुल करीब करीब तकरीबन 10-10-15 फुट ऊपर बैठे होते हैं तो बिल्कुल उनको खौफ डर नहीं होता लेकिन इसकी मैं आपको बता दूँ महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से इनके ऊपर पाबंदी है ठीक है ना हमारी भी कुछ वीडियो अबूबकर भाई शुरू में वीडियो हमारी भी हैं आप देख सकते हैं ठीक है ना लेकिन वो किसी मजबूरी के तहत मतलब किसी को चाहिए होते हैं जिसको शुगर होता है शुगर के लिए ये बहुत मुफीद है हकीम भी बताते हैं इसके हवाले से कि शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अगर आपके यहाँ कोई मरीज़ है अगर आपके यहाँ आपको कहीं नज़र आता है ठीक है हाँ। तो वो आप इसको ले सकते हैं और अबूबकर भाई अगर मिसाल के तौर पे अगर हमें डॉक्टर को परमिशन देते हैं तो वो भी हम वाइल्ड लाइफ वालों को दिखा के इसकी परमिशन ले सकते हाँ, हैं परमिशन ले सकते हैं अगर वो इजाज़त दें तो मजबूरी के तहत जिस तरह पिजन है इसके भी 12 महीने बच्चे होते हैं हाँ गर्मी में भी सर्दी में जैसे अबूबकर भाई मुझे थोड़ा सा लकवे का प्रॉब्लम हुआ था फिर मजबूरी में मैंने हंट किया था लेकिन ये है कि फिर लोग जो मजबूर होते हैं वो बेचारे क्या करें आखिर दवा के तौर पर जो चीज़ें इस्तेमाल होती है तो फिर लोग उसे यानी कि हिट कर सकते हैं और अबूबकर भाई इनकी आवाज़ भी बड़ी रोमांटिक सी होती है ना बड़ी बहुत प्यारी सी आवाज़ होती है बहुत आप हरियल की आवाज़ सर्च करें तो बहुत ही प्यारी सी आवाज़ होती है ठीक है ना और जब ये मतलब खाने पे आते हैं अबूबकर भाई फिर इनको होश नहीं होता कभी इधर जा रहे हैं कभी बड़ा कौन आ रहा है कौन जा रहा है तो इंशाल्लाह अभी अजान हो रही है दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जितना हो सकता था हमने शेयर किया कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई हूँ तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो इस हरियल के टॉपिक पे एक और बनाएंगे तो दुआओं में याद रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद जी भाई।